चला पूरे चला बहुत चला 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 आगे आगे चला आगे हम बाबा सर कम आगे इन्होंने जो प्रश्न पूछा कि टीका टिप्पणी कहीं अपने खुद का नाम बढ़ाने के लिए तो नहीं है, तो ऐसा भी है, खुद की प्रसिद्धि करने के लिए भी। जैसे ही किसी पहलवान के मुंह पे कोई पंच मारता है लुक्खा सा व्यक्ति, तो वो भी पहलवान के नाम के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से साईं बाबा पर कोई टीका करता है तो उसको भी लगता है कि अपन साईं बाबा के जितने प्रसिद्ध हो गए। साधना वादना कुछ है नहीं इन लोगों की, और वो चाहते हैं कि अपन टीका टिप्पणी करके खुद को बड़ा संत साबित करें। इसलिए इन लोगों की तरफ कट्टर हिंदुओं ने बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और साईं बाबा की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए। हिंदू तो हिंदू, अभी जैन मुनि भी पीछे पड़े हुए हैं। कुछ हैं, सबके सब नहीं, कुछ लोगों के कारण आप सभी संतों को बदनाम मत करिए। कुछ लोगों के कारण सभी संत बदनाम हो रहे हैं, कुछ बुरे पुलिस वालों के कारण सारे पुलिस वाले बदनाम हैं, कुछ बुरे डॉक्टरों के कारण सारे डॉक्टर बदनाम हैं, कुछ बुरे संत जिसको संत बोल ही नहीं सकते, कुछ बुरे पाखंडियों के कारण सारे संत बदनाम हैं। हर क्षेत्र में ऐसा है, इसका मतलब सबके सब बुरे नहीं हैं, सबके सब साईं बाबा के विरोधी नहीं हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। शिरडी साई नगरी की पल पल की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिरडी टुडे। धन्यवाद।